Sony Live. We live to entertain. Download the app. Hello, Pinky. Hello, Jeet. I'm Mrs. Sharma. Oh, namaste. Aye, aye. आप बड़ी जल्दी आ गए. वो क्या है ना, एक दो जगह और भी जाना था और वो पितरपुरा बहुत दूर है, तो मैंने कहा चलो पहले यहाँ का काम खत्म कर लूँ फिर. अच्छा, वो क्या है ना, मेरे बच्चे अभी तक घर पे हैं. आइए बैठिए ना. सनी राजी पहले दूध पिएंगे, फिर नहाई नहाई करेंगे और फिर क्लीन गुड बॉय बन के स्कूल जाएंगे. मेरी बड़ी और छोटा बेटा. नमस्ते आंटी. नमस्ते आंटी. नमस्ते बेटा. जी, और सनी बाबू आज आप राशि दीदी के साथ दीदी के कमरे में ही दूध पियो, ठीक है? हाँ, चीयर्स करके. ओके. हाँ जी, ये फाइल है, इसमें कुछ जेरोक्स पेपर है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें सब डिटेल्स हैं. और ये हमारा इंट्रोडक्टरी हैंडबुक है. इसकी कीमत 20,000 रुपए है. ये आपको लेना पड़ेगा पहले. 20,000? वो आप मुझे दो इंस्टॉलमेंट में भी दे सकती हैं. दैट्स ओके. इसके बाद अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पड़ोसी सबसे कांटेक्ट कीजिए और उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करके पहुंच जाना वहां पे. जितनी जल्दी बेचेंगे उतनी जल्दी आपको कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा. मिस्टर शर्मा, मैं कर पाऊंगी ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने भी तो ऐसे ही शुरू किया था. और तुम्हारे तो 3 ही बच्चे, मेरे तो 4 बच्चे और हस्बैंड की पोस्टिंग भी पूना फिर भी मैंने कर लिया. आप बिल्कुल टेंशन मत लें, आपको जब भी कोई परेशानी हो आप मुझे कॉल करें. ओके, अब मैं चलती हूँ. अरे मैं तो आपको पानी तक नहीं पूछा. ये लीजिए. चलती हूँ. फिर भी कुछ परेशानी हो तो आप बिल्कुल बताएं. हाँ जी, थैंक यू. ओके, थैंक यू. ये हैम्पर खरीदना पड़ेगा, 20,000 का है रवि. ओह नो, 20,000? वो कहाँ से लाओगे आप? मैंने कुछ सेविंग्स की हैं, 30-35,000 तक होंगी, पर समझ में नहीं आ रहा कि इस पे खर्च करूं या नहीं. खर्च कर लो मम्मा, फिर उसके बाद तो बहुत जल्दी मिसेस पिंकी आहूजा एक सक्सेसफुल हाउसवाइफ और एक एंटरप्रेन्योर बन जाएंगी. थैंक्स बेटा. एक पति दो बच्चे तो संभाले जा नहीं रहे, उन्हीं को संभालना इतना मुश्किल हो जाता है, अब सास को कैसे संभालूंगी मैं? भगवान मेरी प्रॉब्लम समझते नहीं है, एक के बाद एक झटके देते रहते हैं. मैंने आपसे यही प्रार्थना की थी ना कि भगवान इस साल और कोई झटका मत देना, लेकिन आप है कि समझते ही नहीं है. मैंने क्या मांगा था आपसे, यही ना कि मेरे रॉकी का 10th स्टैंडर्ड है, इस साल उसका पढ़ाई का अच्छा साल हो जाए. घर में एक नियम बनाया हुआ था, पढ़ाई का माहौल बना हुआ था, सब बर्बाद हो जाएगा. हाय बे, क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना, मैं चैन के दो पल काट लूं वो आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है. अब मैं क्या करूं? अरे अभी आ रहे हैं. हेलो. हेलो पापा जी. हाँ पुत्र जी. पापा जी, मेरी सास आ रही हैं कल सुबह. ओहो, ये तो बड़ी टेंशन वाली बात कर दी तूने सुबह सुबह. अच्छे खासे मेरी जिंदगी चल रही थी, इन्हीं और बच्चों को संभालते संभालते मेरा पूरा दिन निकल जाता है, अपने लिए बिल्कुल वक्त नहीं मिलता. लेकिन फिर भी मुझे शिकायत नहीं है, मैं अपने लिए 2-3 पल चुराई लेती हूँ. लेकिन अब पिछली बार आई थी 6 महीने रह के गई थी और उनके जाने के बाद 6 महीने मुझे डिप्रेशन रहा था. हाँ याद है भाई, याद है. और पापा जी, ऐसा भी नहीं है कि मैं उनसे चिढ़ती हूँ या मैं उनसे नफरत करती हूँ, पर
बस मैं उनकी तरह की बहू नहीं बन पाती। मैं कुछ भी कर लूँ ना, उन्हें मैं पसंद ही नहीं आती। वो जब भी मेरे घर में आती हैं, यहाँ के नियम कायदे सब उलट पुलट कर देती हैं। मेरे बच्चों के शेड्यूल का सत्यानाश कर देती हैं। लकी जी की हेल्थ खराब हो जाती है, रॉकी की पढ़ाई नहीं होती। पापा जी उनके आने के बाद ना ना तो मैं उन्हें खुश रख पाती हूँ ना खुद को। और तू ना तीन लंबी लंबी सांसें ले। तू मेरा बच्चा है, तू घबरा क्यों रही है? हैं? तू ऊपर रब पे भरोसा रख और नीचे मैं बैठा ही हूं ना, वो सब ठीक हो जाएगा, घबरा ना। रॉकी, तेरे मिड टर्म एग्जाम्स कब से हैं? अभी टाइम है 60 डेज। यानी कि सिर्फ 2 महीने? क्या सिर्फ 2 महीने बाकी है मिड टर्म एग्जाम्स के लिए? और भगवान। बेटी जी, और मैं क्या जी, घर की थोड़ी सफाई वफाई करवा दो, मम्मी जी को पसंद नहीं आने वाला भाई, बड़ा गंदा हो गया घर अपना। मुझे ही डांटेंगी जब घर गंदा देखेंगी तो। ये तो देखेंगी नहीं कि घर गंदा कर कौन रहा है। आपके और रॉकी के कपड़े हर जगह बिखरे होते हैं, कभी आपका एक जूता यहाँ तो कभी वहाँ। आप लोग ध्यान रखते नहीं, सब कुछ मुझे ही देखना है। मैं क्या कह रहा था जी, ये पर्दे भी बदल दो, लाइट कलर के पर्दे ले आओ जी, मम्मी जी को ना लाइट कलर के पर्दे ज्यादा पसंद है। आप एक काम करो, आप मुझे भी बदल दो, आपकी मम्मी जी को मैं भी पसंद नहीं। कैसी बात कर रही हो जी आप? अरे चिल करो ना माँ, आप उनकी फेवरेट बहू हो, पूरे खानदान में एक ही तो लड़का पैदा किया आपने, रॉकी सिंह द ग्रेट। मुझे पता है तेरे उड़ने के दिन आ गए ना, जानती हूँ मैं। देखो जी, ये पर्दे एकदम नए, अभी कुछ महीने पहले तो सिलवाए। ठीक है जी, बात कर लूंगा उनसे, समझा दूंगा। आप मुझे ये बताओ जी कि आप अपनी सास के आने की खुशी में क्या करने वाले? फिलहाल तो चिंता कर रही हूँ। चिंता? 2 महीनों में रॉकी के मिड टर्म एग्जाम्स हैं, और आपने एक दिन पहले बताया कि मम्मी जी आ रही हैं। पहले बताया होता कम से कम मैं तैयारी तो कर लेती, और वैसे ही आपको सफाई की पड़ गई है। अब मम्मी जी का नाश्ता भी अलग से बनाना पड़ेगा, उनका नाश्ता भी तो अलग होता है, बाहर का कुछ खाती नहीं है। ओ जी, नाश्ता तो आप उनके साथ बना लेना। मैं क्या कह रहा था ना, कटहल का अचार डाल दो जी। क्या कटहल का अचार? कटहल का अचार बस यही रखा है ना कि आपने कहा और बन गया। एक दिन में नहीं बनता ये सब, कटहल छीलना पड़ता है, और जब कटहल छीलते ना तो मेरे हाथ कट जाते हैं। मैं मसालों में कटहल डुबाऊंगी कब, कटहल सूखेगा कब? ना कटहल है ना मसाला है। लकी जी, आपको जब पता नहीं होता ना कि कौन सी चीज कैसे बनती है, तो आप बोला मत करो। ओ जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, लिस्ट बना के दे दो मुझे, मैं सब कुछ ले आऊंगा बाजार से। वैसे मैंने अपनी लिस्ट तो बना रखी है ना मम्मी जी के लिए, मुझे क्या क्या लाना है। कड़वा तेल, आमला, जीरा गोली, सिगड़ी। वैसे सिगड़ी तो पड़ी होगी ना, लेकिन जंग लग गया होगा। ओए, अच्छा याद दिलाया भाई तूने, इलेक्ट्रिक हीटर तो नहीं चलने वाला उनके साथ, कोयले वाले से बात करनी पड़ेगी जी। अरे भैया, वो अपना दूध वाले से बात कर लेना, गाय का दूध लेना पड़ेगा भाई कल से, है ना, इसका नहीं चलने वाला। बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे घर पे क्वीन विक्टोरिया आ रही है। एग्जैक्टली, मेरी दादी आ रही है। और तेरी दादी क्वीन विक्टोरिया से कम है क्या? मेरी तो मुसीबत आ रही है। हाँ जी, कुछ बोला? कुछ नहीं जी, मैं आपको लिस्ट दे दूंगी। अच्छा सुन, अपने सलवार कमीज निकाल लिया, ये सब स्कर्ट्स और शॉर्ट जींस नहीं चलेंगे, याद है ना लास्ट टाइम दादी जी ने जला दिए थे। साफ सफाई वाली मेहतरानी बन गई हूँ मैं। ये तो तब है जब सास अभी तक आई नहीं, जब वो आएंगे तब पता नहीं क्या होगा।
एक बार देख लो, साफ तो हो गया। लो आ गया जी, सब सामान आ गया। आज आप ऑफिस नहीं गए? गया था भाई, जल्दी काम निपटा दिया। वो पेपे आ रही है, शॉपिंग जरूरी है ऑफिस। और जी आपने क्या किया, सो गई थी क्या? मैं आपको सोई हुई लग रही हूँ? थकी थकी लग रही है, मुझे लगा हो सकता है, वैसे भी आप सुबह जल्दी उठी थी ड्राइविंग सीखने वास्ते, तो झपकी ले लियो। पूरे घर की साफ सफाई के बाद अब खत्म हुई हूँ मैं। आलो जी, पेपे के लिए वो अचार डाल जी। देसी घी किस लिए? जी वो बेबे ना सुबह सुबह मंदिर में दिए में घी डालती हैं। अच्छा जी, जरा मेरी तरफ देखकर बोलिए तो, मुझे सब पता है, मैं सब जानती हूँ कि कितना घी दिए में जाएगा और कितना आपके पेट में। इतने महीनों से आपका कोलेस्ट्रॉल शुगर सब कंट्रोल में रखा हुआ था, आपके हेल्थ के चक्कर में मैं अपना हेल्थ भूल जाती हूँ, लेकिन आप है कि जितनी मेहनत मैंने की है ना, आपने सब मिट्टी में मिला देना है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.